नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप टेक इन्फॉर्मेशन में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको GMO या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों हम कैसे किसी चीज़ के जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ को लैब में चेंज कर सकते हैं और उसमें किसी नई प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को और एनहेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आज आप इस वीडियो बने रहिए और मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, GMO या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका DNA हम लोग आर्टिफिशियली लैब में चेंज करते हैं। और दोस्तों इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है BT कॉटन। और दोस्तों यहाँ पे BT का फुल फॉर्म है बैसिलस थुरिंजियंसिस कॉटन, जो कि दोस्तों एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग एज अ बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहले पुराने समय में प्रॉब्लम क्या थी कि जो कॉटन के जो फार्म्स थे वहाँ पे जो बॉल वॉर्म्स थे वो कॉटन को खा जाते थे, जिससे दोस्तों फसल को भी नुकसान होता था एंड अल्टीमेटली फार्मर्स को भी। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1990s में जब GMO एग्रीकल्चर में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, हम लोगों ने बैसिलस थुरिंजियंसिस, जो कि दोस्तों एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एज अ बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड भी यूज किया जाता है, इसके प्रॉपर्टीज को पहचाना। क्योंकि दोस्तों जो इसके 200 स्ट्रेन्स हैं ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब हम लोगों ने ये जो कॉटन प्लांट है इसके DNA को अल्टर करके इसके स्ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया और फिर जब कॉटन प्लांट को ग्रो किया गया तो दोस्तों बॉल वॉर्म्स जैसे ही कॉटन को खाने आते वो मर जाते। और दोस्तों साथ ही में इस टेक्निक का फ़ायदा क्या था कि जो ऑर्गेनिजम्स किसी को नुकसान पहुँचा रहा था सिर्फ उसी की डेथ हो रही थी, और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स थे जो कि हार्मलेस थे वो बिल्कुल सेफ थे। अब दोस्तों मैं आपको GMO के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्वालिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर दोस्तों उसके DNA को अल्टर किया जाता है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जिसको या फिर हमें एनहेंस करना हो या फिर हमें उसमें इंट्रोड्यूस करना हो। जैसे कि दोस्तों हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस चाहिए था कॉटन में, तो उसके लिए GMO की मदद से हमने बनाया BT कॉटन, जिससे बॉल वॉर्म्स नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे थे कॉटन फार्म्स को। वैसे ही दोस्तों कुछ और प्लांट्स को भी डेवलप किया गया है जो कि सूखा पड़ने में भी उनकी डेथ नहीं होती है, मतलब वो कम पानी में भी लंबे समय तक रह सकते हैं। प्लस दोस्तों GMO को और भी फायदे हैं, जैसे कि दोस्तों ग्लोबल फूड प्रोडक्शन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है GMO की वजह से, और इससे दोस्तों पेस्टिसाइड्स का भी खर्चा बचता है क्योंकि दोस्तों जो क्रॉप्स की वेस्टेज थी इंसेक्ट्स के थ्रू वो अब बहुत ही कम हो गई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि मैं रोज ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।